क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष गुप्ता है। संतोष जी, किस विधानसभा में रहते हैं आप? अभी तो हम सीसामऊ विधानसभा में हैं। अच्छा, ये बताइए कितना विकास हुआ इस विधानसभा में विधायक के द्वारा? विधायक जी के द्वारा तो बहुत विकास हुआ इस क्षेत्र में। जहाँ देखते हैं वहाँ विधायक जी के ही पत्थर देते हैं, चाहे गली हो जाए चाहे कोई पार्क हो, हर जगह विधायक जी के पत्थर लगे। पत्थर लगे का मतलब यही उद्देश्य होता है कि विकास करा, इसलिए पत्थर है। कौन कौन से बड़े उन्होंने विकास करे आपके क्षेत्र में? भाई, इस विधानसभा में इस 5 साल में सबसे बड़ा विकास तो यही बाबा बखंडेश्वर मंदिर है, जिसके लिए विधायक जी ने 50 लाख का दिया है। अब यूपी चुनाव फिर से आने हैं तो किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा तो मेन विकास है। जो विकास करेगा वो वोट पाएगा। और बेरोजगारी है, महंगाई है, कोरोना काल में लोगों को इतना मर गए लेकिन कोई सुविधा सरकार नहीं दे पाई, तो उसका गुस्सा तो हम निकालेंगे। जो हमारे शिक्षक मित्र हैं जिनको इन्होंने लाठियों से सिर्फ मारा है, कोई नौकरी नहीं कुछ नहीं, उस विधा पे हम वोट देंगे और माननीय अखिलेश जी को ही देने की कोशिश करेंगे। हमारे माननीय विधायक इरफान सोलंकी जी ने जो इस मंदिर के लिए, प्राचीन मंदिर है ये, इस मंदिर के लिए 50 लाख रुपए की जो अपनी विधायक निधि से कह लीजिए या मुख्यमंत्री जी से यहाँ इस मंदिर जीर्णोद्धार करने के लिए जो पैसा उन्होंने दिलवाया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे यहाँ क्षेत्र में जो समस्या की बात कर लीजिए, कोई भी समस्या, हमारी समस्या तो विधायक जी ने न जाने कितनी पानी की टंकी लगवाई, रोड बनवाए और गलियों में सीवर लाइन नहीं थी, सीवर लाइन का काम करवाया, आरसीसी का करवाया। चुनाव आ रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? विकास के लेकर करेंगे। ये हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने यहाँ विकास करवाया है और खूब विकास करवाया है। हमारी समस्या कोई भी समस्या नहीं है और जनता हमारे यहाँ की जागरूक है, समझदार है। वो माननीय विधायक आने वाली 20 तारीख को विधायक जी को वोट देगी और पुनः विधायक बनाकर कैबिनेट मंत्री बनाने का काम करेगी। और सरकार अखिलेश यादव जी की बने, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे ही आदमी सरकार चला सकता है, ये मेरा अपना मानना है और सोचना है। विकास तो आप खुद देख रहे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं माननीय विधायक इरफान सोलंकी जी ने, जो आज तक किसी विधानसभा ने नहीं किया, जो आज तक कितने विधायक सांसद आए पर किसी ने, ये भगवान का जो मंदिर है बरखंडेश्वर मंदिर, इसमें माननीय विधायक इरफान सोलंकी जी ने 50 लाख रुपए देने का काम किया और इस मंदिर का निर्माण करने का काम किया है। और ये तो कुछ भी नहीं, माननीय विधायक जी ने हर सीसामऊ में एक एक गली एक एक सड़क चमका दिया है। और माननीय विधायक जी ने जो ऐतिहासिक काम किया, ना उन्होंने हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, न सिख देखा, ईसाई न देखा, सब भाइयों को लेके चले। माननीय विधायक जी ने एक ऐसा जो किसी विधानसभा में किसी विधायक ने नहीं किया होगा, माननीय हाजी इरफान सोलंकी ने किया है। हमारे ख्याल से तो कोई समस्या नहीं, फिर भी अगर कोई समस्या होगी भी तो मुझे नहीं लगता कि कोई हो। अगर होती समस्या तो माननीय विधायक जी खुद अपने आप करने की वो ताकत रखते हैं। विधानसभा चुनाव आ रहा है तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मैं तो देखा जाए तो अखिलेश जी ने जो लैपटॉप बांटे थे छात्राओं को और जो अखिलेश जी ने विद्याधन दिया, पेंशन दिया, वो ऐतिहासिक काम है माननीय अखिलेश जी की। फिर हमको लगता है सरकार बननी चाहिए और माननीय अखिलेश जी पुनः मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरी विधानसभा सिस्टम हुआ है, समस्या बहुत है हमारे, क्या कहते हैं लोग कहते हैं, यहाँ के जो विधायक हैं जिनका नाम इरफान सोलंकी है, उन्होंने आज तक के कोई कार्य नहीं किया है। वो खाली चुनाव के टाइम पे दिखते हैं, जब चुनाव निकल जाता तो उनकी शक्ल नहीं दिखती है, गाड़ी से निकल जाते तो ऐसे सलाम करते बस गाड़ी से जा रहे हैं। समस्या बहुत है, एक समस्या है ये, आप देखिए आपके सामने रोड खुदा पड़ा है, इससे बड़ी समस्या क्या होगी? हम जो क्या कहते हैं, जो मेरे क्षेत्र का विकास कराएगा हम उसको वोट देंगे। और क्षेत्र का विकास क्या कहते हैं सभी कराने के, हर आदमी पार्टी चुनाव आ रहा है तो हर आदमी कह रहा है हम वोट, हमको वोट दो, हमको दो, लेकिन इरफान सोलंकी को वोट नहीं देंगे। मुद्दा सीधा सीधा विकास का है और पूरा सीसामऊ विधानसभा जो है गड्ढे के अंदर है और बाकी विकास हमें दिखाने की जरूरत नहीं, आम जनता खुद देख रही है चल फिर के। जहाँ पे हम खड़े मौजूदा हालत में हमारे पीछे देख सकते पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं, गंदगी का बेहिसाब अंबार लगा हुआ, कोई समस्या का समाधान नहीं है, पब्लिक है परेशान।
कौन विधायक है, उन्होंने क्या कार्य कराया? हाजी इरफान सोलंकी 3 बार के विधायक हैं, लेकिन 3 बार के विधायक होने की वजह से उतना विकास है नहीं जितना होना चाहिए। विधानसभा चुनाव आ रहा है तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हम तो समस्या जो हमारी अपनी पर्सनल है, जो आवाम की पर्सनल समस्याएं हैं, उसको लेकर हम वोट करेंगे। तो जब हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हम अपने कारोबार से अपने घर वापस आ रहे सही सलामत नहीं आ पाएंगे, अपनी ही विधानसभा में गिर के मर जाएंगे, तो क्या फायदा है? तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो बदलाव चाहिए। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं? बहुत सी समस्या है, पानी की है, बिजली की है, सभी कुछ समस्या है, नाली की है, सीवर की है, जनता परेशान है गंदगी से, विकास नहीं हो रहा है, विकास के लिए जनता परेशान है, कारोबार के लिए परेशान है, सारी दिक्कतें हैं। ये सरकार आई है जब से आदमी निराश हो चुका है, महंगाई तो इतनी चरम पे चल रही है, महंगाई का कोई रिकॉर्ड ही नहीं ना। गैस देख लीजिए कितनी महंगी हो गई, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, सरसों का तेल कितना महंगा हो चुका है। ये सरकार इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रही है। सर चुनाव आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ये महंगाई को लेकर वोट करेंगे हम, चाहते हैं अखिलेश जी की सरकार आए। समस्या सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, और कोई मुद्दा नहीं है। युवाओं को चाहिए कारोबार और अच्छी सरकार। देखिए सरकार तो अच्छी है पर तानाशाही की सरकार है। योगी महाराज अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं, ना तो अपने आप को साधु समझ रहे हैं। वो सिर्फ एक तानाशाह हैं जो निचले वर्ग है उनको दबाने का काम कर रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं लेकिन विकास नहीं हुआ है, विकास कुछ जगह पे हुआ, जैसे मोदी और योगी जी के चाहने वाले उनका विकास हुआ है। गरीब तबका 200 रुपये का राशन खा करके 1000 का सिलेंडर भरा करके, ये कोई मुद्दा थोड़ी नहीं हुआ, हमारा ही पैसा हमसे वसूला जा रहा है। मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दों को लेकर कि बेरोजगारी दूर करेंगे और महंगाई को ख़त्म करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश का जो नेता वो पढ़ा लिखा शिक्षित हो। जो लोग पावर प्लांट का नाम नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है रख करके। मैं चाहता हूँ कि अच्छी सरकार आए और अच्छे लोग बैठे, इसलिए कि अब बहुत गुंडागिरी बढ़ गई है। जो जो सत्ता चलाता उसके गुंडे उतने ही होते हैं। ये ना कहें कि सपा सरकार गुंडों की सरकार है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे लोग आए जो युवाओं को समझे, गरीबों को समझे और बेरोजगारियों को रोजी दे। इसके सिवा क्या चाहिए हम लोगों को? सरकार कोई आए और जाए हमसे क्या मतलब है? मेरा नाम तारिक है भाई। ये बताइए आने वाले विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि सपा सरकार आने के मतलब है गुंडा राज आना। हाँ, और अभी तक योगी सरकार है, योगी सरकार जो है ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ है, लेकिन बेहतर सरकार है योगी, क्योंकि कोई दंगा नहीं, कोई गुंडागर्दी सब खत्म है यूपी से, और सपा सरकार आने मतलब गुंडागर्दी फिर से शुरू हो जाएगी। वोट बहुत बहुमूल्य होता है तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? भाई मेरा तो वोट देने से हम तो अगर मेरा बच चले तो हम बीजेपी को वोट दें भाई। मेरे लिए योगी सरकार बेहतर है। 5 सालों में विधानसभा के कौन विधायक है, कितना काम किया है? विधायक इस क्षेत्र के इरफान सोलंकी हैं, लेकिन जो बड़े काम हैं वो इरफान सोलंकी भी अच्छी तरह से निभाते हैं और करते हैं, इनके कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्षेत्र में सबसे अच्छा काम हाजी इरफान सोलंकी का है, विधायक की निधि से, और पार्षद दल के जो हमारे नेता हैं ये भी अच्छा काम है। किन मुद्दों का वोट डालेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? हमारा मुद्दा ये है भाई, बेरोजगारी ज़्यादा है, कारोबार इस टाइम बंद पड़े हैं, कारोबार को जो अच्छी सोच रखने वाला मुख्यमंत्री आएगा वही सफलता पाएगा। ये बताइए कौन सी प्रमुख समस्या आप विधानसभा में है? भाई यहाँ बहुत है, रोड नहीं सही है, गड्ढे खुड्ढे हैं, वहाँ भी विकास, कांग्रेस आए तो विकास होगा तो सही। कौन विधायक हैं, किस पार्टी से हैं? वो सपा से हैं, इरफान। तो विकास कार्य किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। देखिए वो गड्ढे गुड्ढे तमाम हैं, नाली नहीं सही है। इस बार फिर से चुनाव आ रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? विकास होगा, विकास के मुद्दे पर वोट देंगे जी। ये बताइए कौन सी प्रमुख समस्या विधानसभा में? विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे भी पूर्व पार्षद सभासद जी ने बताया कि सड़कें अभी भी उसी तरह से हैं जो 5 साल से जिस कंडीशन में हैं, और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। पिछले 15-16 साल से हम लोगों के एरिए में पानी नहीं आ रहा है,
पानी के लिए हम लोगों ने 2500 बार गए होंगे विधायक जी के पास, मगर विधायक जी ने पानी के लिए कोई भी काम नहीं, अब जब काम कराया तो उसके बावजूद भी उस पानी को गंदा ही हम लोगों को मिल रहा है। किस पार्टी से विधायक हैं? सपा से। और जो है जगह जगह गड्ढे खुदवा दिए हैं जो जिनका कोई मकसद नहीं है, ये सब जो है गड्ढे खुदवाने के बाद हम लोगों ने कई बार बोला भी कि विधायक जी हम लोगों को दुकानदार हैं, हम लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं इन सब चीज़ों से कि इसको सही करवाइए करें, तो उस पर उनका जवाब ये था कि अभी काम चल रहा है, अब ये काम कब तक चलेगा ये विधायक जी को भी नहीं मालूम है कि कब तक चलेगा। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? हम विकास के मुद्दे पे काम होना है, विकास के मुद्दे में हम लोगों की अपनी ख्वाहिश है कि हाजी सुहेल साहब को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिले, हम लोग उनको ही जिताएंगे। और हमको जो है परिवर्तन चाहिए इन विधायक जी से, क्योंकि आज पिछले 15 सालों से कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। बिजली, पानी, सड़क, नाली, हर तरह की समस्याएं पिछले 12-14 सालों से इस विधानसभा में हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने किसी भी चीज़ पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग उनसे बात करेंगे, जनता सवाल करे उनसे कि आखिर 15 साल 3 बार जो विधायक रहे हैं तो उन्होंने क्या काम किया है। विकास के नाम पे उनसे बात करो तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये भी नहीं कह सकते कि उनकी सरकार नहीं रही, 5 साल उनकी सरकार रही है, इन 5 सालों में उन्होंने किसी भी तरह की किसी भी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। ये वो जगह, ये मशहूर चौड़ा हलीम कॉलेज लूट रहा है, हमारे विधायक जी को इसकी चिंता ही नहीं है, वो उस लूट में पूरी तरह से शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पे उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हुआ है। इस चुनाव में जनता उनसे सवाल करेगी कि विधायक जी आखिर आपको क्यों चुना गया और क्यों चुना जाए।